रजनी विहार का एकमात्र ये जगह है जहाँ की, जिसको हम पार्क कह सकते हैं। पार्क इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ झूले लगे हुए हैं, आप झूले देख सकते हैं, लोगों के बैठने के लिए टेबलें लगी हुई है, इसके अलावा पेड़ पौधे लगे हुए हैं जन सहयोग से। जो कोशिश हो रही है अभी इन दिनों में, जो हमारा विरोध है कॉलोनी वासियों का और रजनी विहार के अलावा आसपास के लोगों का भी, ये 2800 वर्ग गज ज़मीन है और 2800 वर्ग गज ज़मीन के अंदर एक पर्टिकुलर इलाके में JDA ने ये जगह इस काम के लिए अलोकेट कर दी कि यहाँ पर बिजली का सब सर्विस स्टेशन बन जाए, जिसको हम टेक्निकली बोलें तो KVGSS। और हमारा विरोध इसीलिए है कि ये जो जगह है 2800 गज, इसमें से 1100-1200 गज अगर आपकी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो एकमात्र जो आसपास की 10 कॉलोनियों में जगह है, जो कि हम पार्क के नाम पे मानते हैं, ये हमारा रजनी विहार का पार्क है, रजनी विहार का ना होके आसपास के 10 कॉलोनियों के लिए भी ये पार्क का ही स्थान है। ये जगह जब ऑक्यूपाई हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, या कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये JDA ने जगह अलॉकेट की है तो इसको निरस्त किया जाए, और पास में हीरापुरा पावर हाउस में जगह की कोई कमी नहीं, वहाँ पर इसको स्थानांतरित करें। बस यही हमारा निवेदन। JDA में हमने इसके लिए रिक्वेस्ट लेटर दे दिया है, अधिकारियों से हमने मुलाकात भी कर ली है, और भी अन्य मीडिया चैनलों से हमारी चर्चाएँ चल रही है। मैं कह रहा था कि जैसे कोई भी GHS अगर कुछ भी बनाते हैं तो विद्युत विभाग उस जमीन को एक्वायर करता है, उसके लैंड परचेज करता है, तो क्या परचेजिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकता है? परचेज तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सरकार टू सरकार का मामला है भाई, JVVNL और JDA। हाँ, तो वो JDA से JDA से लैंड परचेज करेगा, लैंड परचेज करेगा या लैंड अलोकेट करेगा, क्योंकि सुविधा आप तो ये मान लीजिए कि JDA में भी अगर एप्लीकेशन दी होगी बिजली विभाग की तरफ से, तो उन्होंने अपनी आवश्यकता क्या है उनके उसके हिसाब से दी होगी और चिन्हित की होगी ये जगह कि ये जगह अवेलेबल है यहाँ पर इस कॉलोनी में। अब उसका जो प्रोसेस हुआ होगा लैंड एलोकेशन का, वो आईडिया हमको नहीं है, उसके लिए आज यहाँ चित्रकूट जो नॉर्थ जोन है, जो हमारी जहाँ पे रजनी विहार कॉलोनी जिस क्षेत्र में आती है, वहाँ हम इस लैंड एलोकेशन का लेटर अगर यहाँ इनके पास अवेलेबल है तो वो लेने के लिए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग कॉलोनी की तरफ से एक RTI भी फाइल कर रहे हैं, जिसमें ये मालूम हमको चल सके कि ये जो लैंड एलोकेशन इस पार्क का हुआ है इस काम के लिए वो क्यों किया है। ये रजनी विहार कॉलोनी स्थित रजनी विहार के अंदर ये एक सुविधा क्षेत्र है, सुविधा क्षेत्र के अंदर जिम लगी हुई है, बच्चे झूलते हैं, बुजुर्ग महिला और वृद्धजन सभी मॉर्निंग में इवनिंग में घूमने आते हैं, तो ये आसपास की कॉलोनियों के अंदर के लोग भी सभी इसी में आते हैं। तो हमारा सरकार से या JDA से गुजारिश है कि ये जो पावर ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं 33 KV / 11 KV का, उसको यहाँ से निरस्त करके अन्यंत स्थानांतरित किया जाए और कॉलोनी हितों का ध्यान रखा जाए। जबकि कॉलोनी कोई JDA कोई भी कॉलोनी बनाती है तो उसमें सुविधा क्षेत्र पार्क क्षेत्र जरूर होता है, तो इस कॉलोनी के अंदर कोई इस कॉलोनी के इस पार्क के अलावा और कोई ऐसा पार्क नहीं है जिसके अंदर कि बच्चों को खेलने या वृद्धों के लिए घूमने या एक्सरसाइज करने के लिए ऐसा कोई नहीं है। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है प्रशासन से कि इसे यहाँ से स्थानांतरित शिफ्ट किया जाए और इसे पार्क ही रहने दिया जाए। अपने वीडियो में आप कृपया दिखाएं। बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, और ये बच्चों के लिए सबके लिए घूमने का बहुत ही शानदार पार्क है। इसमें अगर गवर्नमेंट को एक्वायर कर लेगी तो बच्चों का सारा वातावरण का ये सब होगा, बिजली के तार भी बिछेंगे चारों तरफ, इससे आबादी वाली ज़मीन है, इसमें चारों तरफ टावर लगेंगे, बिजली के तार जाएंगे, उससे भी काफ़ी कॉलोनी वालों को नुकसान पहुँचने की संभावना है। इसलिए इसे निवेदन है कि कम से कम इसको पार्क रहने दे गवर्नमेंट, चाहे इसको पार्क ही रहने दे और कोई और गतिविधियां नहीं करें बिजली डिपार्टमेंट।